हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो भी कॉल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी स्टॉक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जैकपॉट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स गाइस, उनके पर्टिकुलरली जाके टारगेट्स हिट होते हैं और उसके ऊपर भी या नीचे भी वो बहुत ज़्यादा है, जो भी आपको बाय या सेल साइड में स्टॉक्स मिलते हैं। तो सो गाइस, आपको मैंने आज के लिए फ्राइडे पे एक वीडियो अपलोड करी थी, अगर आपने देखी हो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो मैंने आपको मंडे के लिए यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको 5 स्टॉक्स दिए थे। अगर मैं उसमें से बताऊं तो गाइस, बर्जर पेंट्स बाय के लिए था, कोल इंडिया सेल था, इंडोसेंट बैंक सेल था, भारती एयरटेल बाय था, SRF सेल था। सो गाइस, अगर हम बर्जर पेंट्स की बात करें तो बर्जर पेंट्स का पहला टारगेट जो हमारा था वो अचीव हो गया, क्योंकि गाइस इंट्रा डे पे जब हमारा पहला टारगेट अचीव हो जाए तो हमें वहां से इंट्रा डे से अपनी पोजिशन निकाल के लेकर चली जानी है, क्योंकि जो हमारा सेकेंड टारगेट होता है वो पोजिशनल होता है, यानी कि 1 या 2 दिन के पर्पस से होता है, हो सके तो वो इंट्रा डे में भी अचीव हो जाता है। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया का भी हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद नहीं हो पाया। इंडोसेंट बैंक पे आप देख सकते हैं कि आज 100 रुपये की गिरावट आई थी गाइस, 100 रुपये की गिरावट एक पर्टिकुलर बैंक स्टॉक पे आई थी। सो और ये हमारा एक सेल कैंडिडेट था, तो इसका भी टारगेट अचीव हो गया। भारतीय एयरटेल पूरे टाइम कंसोलिडेट करते रहा, मतलब हमारा शुरुआत में पहला टारगेट तो अचीव हो गया था, अचीव होने के बाद वो पूरे टाइम कंसोलिडेट करते रहा, और कंसोलिडेट करने के बाद आखिरी के लास्ट आर में हमने देखा कि भारतीय एयरटेल में बहुत तेजी से मूवमेंट आई और 20 रुपये ऊपर जाके उसने अपनी क्लोजिंग दिया गाइस। SRF की बात करें तो हमारे सेल साइड में दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि आपको मैं ये रेगुलरली जो कॉल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और उनके अगर मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि सारे ज़्यादातर टारगेट्स हमारे अचीव हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्यूसडे को यानी कि अक्टूबर सीरीज स्टार्ट हो गई है, कल से हो जाएगी गाइज। 1 अक्टूबर से हम अपना एक चाहते हैं कि एक जो हम अपना स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करें, जो टारगेट जो स्टॉप लॉस दिए जाते हैं उस पोजीशन पे हम पहुंचे और वहां से एग्जिट करके निकल जाए, कोई भी ज़्यादा हमें ग्रीडी बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, सबसे पहला स्टॉक जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, कॉन्कोर, SBI, TCS, इन्फोसिस और ICICI प्रूडेंशियल। सो गाइस, ये 5 स्टॉक्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और अब हम इन 5 स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको गाइस बता दूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने एक स्टॉक मार्केट का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्री कोर्स है ये, टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक टू एडवांस, पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपको इस पर प्रोवाइड कराई जाएगी, थ्रू वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, PDF के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और हमारा गाइस डाउट सेशंस भी होंगे। डाउट सेशंस के लिए हम अपना एक प्लेटफॉर्म रखेंगे, या मेल के थ्रू आप मुझे डाउट्स कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो भी मुझे डाउट पूछेगा अलग से उसके लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा, या हम एक अलग से पर्सनल ग्रुप बनाएंगे जिस पे हम सिर्फ डाउट सेशन रखेंगे गाइज। दूसरी बात है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम लोग क्या कवर करेंगे। उससे पहले बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस में अपनी अपने फ़ोन नंबर भेज दिए हैं, जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों ने मुझे मेल कर दी है, व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेजेस भेज चुके हैं और फेसबुक पे भी मुझे भेज चुके हैं, ट्विटर पे भी भेज चुके हैं, यानी कि गाइज बहुत लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। और अगर हम एक एस्टिमेट निकाल के चल रहे हैं जितने लोगों ने ज्वाइन करने के बारे में रिक्वेस्ट भेज दी है, तो हम एक बैच है उस बैच के अंदर 25 लोग ही जुड़ेंगे गाइज, 25 लोगों का एक बैच हो रहा है, तो कुल मिला के 5 से 6 बैच हम लोग जुड़ बना पा रहे हैं, यानी कि 5 से 6 बैच चलेंगे, और उसके बाद जो भी बैच स्टार्ट होंगे वो पेड बैचेस होंगे। सो गाइस, अभी आपके लिए जो फर्स्ट 5 बैचेस थे वो भर चुके हैं पूरे के पूरे, और फर्स्ट 5 या 6 बैचेस हैं वो पूरे भर चुके हैं, और अब कोई भी हम कह सकते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं अब उन लोगों को एक पेड लेना पड़ेगा ये कॉल्स के लिए। पहले 5 बैच यानी कि पहले 100 लोग जो आ गए वो आ गए गाइस, 100 या 150 लोग। अब इसमें हम कराने क्या वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और गाइस, जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि हम आपको कब लिंक सेंड करेंगे, गाइस आज आप लोगों को व्हाट्सएप का एक लिंक सेंड हो जाएगा और आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, रात के 12 बजे से पहले पहले आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। मेल में जिन लोगों ने मुझे भेजा है उन लोगों को सेंड कर दिया जाएगा लिंक गाइस, जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है उन लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, जिन लोगों ने गाइस यूट्यूब पे अपना नंबर छोड़ा है
जिन जिन लोगों ने अपना YouTube पे नंबर छोड़ा है गाइस, उन लोगों को भी लिंक मिल जाएगा, पर जिन लोगों ने सिर्फ लिखा है कि गाइस मैं इंटरेस्टेड हूँ, हाँ मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ, गाइस उन लोगों को हम लिंक सेट नहीं कर सकते जब तक आप अपना नंबर नहीं लिखोगे, या फिर आप अपना नंबर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए, या आप हमें मेल कर दीजिए कि आप इंटरेस्टेड, अपना नंबर लिख के गाइस, तो हम आपको तुरंत से तुरंत आप लोगों को ज्वाइन करा देंगे, उसके बाद आप लोगों भी ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। सो गाइस जिन लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले जाके आप मेरे मेल आईडी पे, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जाइए और लिखिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, और अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मुझे लिखकर भेज दीजिए। सो गाइस क्या क्या चीज़ें हम कवर कराने वाले हैं, मैं वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम कैंडल स्टिक एनालिसिस कवर कराएंगे। कैंडल स्टिक एनालिसिस कवर कराने का मतलब ये है कि अगर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कैंडल स्टिक को कैसे देखा जाता है, उसकी कैसे एनालिसिस करी जाती है, सो आप 30% टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएंगे। सिर्फ ये पहली चीज़ है जो आपको पूरी जर्नी और जो पूरी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी है, वो आपको ये पर्टिकुलर कैंडल स्टिक एनालिसिस के ऊपर टिकी हुई है। इस पे आपको सारी चीज़ें शेयर करी जाएंगी गाइस, ए टू जेड। मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो बना ली है, और मैं आपको जो भी मेरे व्यू ज्वाइन होंगे, जिन लोगों को मैं आज ज्वाइन करूंगा, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। सबसे पहले कैंडल स्टिक एनालिसिस होगी, दूसरी बात होगा प्राइस पैटर्न्स। प्राइस पैटर्न्स यानी कि पर्टिकुलर एक स्टॉक का कोई पैटर्न बना है, हार्मोनिक पैटर्न बना है, बटरफ्लाई पैटर्न बना है, गाइस ये जो पैटर्न्स के बारे में आपके साथ मैं हर दिन डिस्कस करते आ रहा हूँ, जिसके बेसिस पे ही मैं आपको स्टॉक्स की रिकमेंडेशन देता हूँ, उसके बेस पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न नहीं बनता या कैंडल स्टिक एनालिसिस नहीं दिखती है, तब तक मैं आप लोगों को कोई कॉल्स प्रोवाइड नहीं कराता, और लास्ट ऑप्शन हमारा इंडिकेटर्स बचता, गाइस इंडिकेटर्स के बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चौथी चीज़ जो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, वो कराई जाएगी निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंट्राडे यूजिंग इंडिया विक्स। आप सब जानते हैं कि इंडिया विक्स इंडिया वॉलेटिलिटी, मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखती है, इसके बेसिस में इंट्राडे के अंदर आपको एक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई जाएगी जो आपको बहुत काम आने वाली है। साइड बाय साइड आपको इलिट वेव थ्योरी बताई जाएगी कि इलिट वेव वेव्स पैटर्न कैसे बनते हैं, और फ्यूचर पे यानी कि लॉन्ग टर्म टू लॉन्ग टर्म पे आप कैसे प्रिडिक्ट कर लेंगे सिर्फ इलिट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ए टू जेड। और लास्ट एक स्ट्रैटेजी और होगी जो हमें बता दीजिएगी कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या प्राइस नीचे जाने वाला है या प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम प्लस प्राइस के बेसिस पे हम बता देंगे कि क्या उसकी डायरेक्शन रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ गाइस शेयर होने वाली है, सो बने रहिएगा। 7th of October गाइज ये डेट आ चुकी है, 7th of October यानी कि मंडे को, संडे या मंडे से हम अपनी कोर्स की जो वीडियो, जो हमारे कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे आज जोड़ दिया जाएगा, पर कोर्स हमारा नेक्स्ट मंडे या संडे से स्टार्ट होगा, और वहाँ पर आपको वीडियो शेयर करी जाएंगी, एक लिंक आपको दिया जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं एक और बता दूँ गाइज, इस लिंक को सिर्फ आप एक ही बार क्लिक कर सकते हैं। अगर मैंने 10 लोग हैं, अगर मैंने 10 लोगों को वो लिंक शेयर करा है, सो एक बंदा वो लिंक को एक ही बार क्लिक कर सकता है और वो एक ही बार वीडियो को देख सकता है। अगर आप दूसरी बार वीडियो को दोबारा देखने जाएंगे तो आप उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे और वो वीडियो आपके लिए नहीं खुलेगी। तो यानी कि आप एक ही बार वो लिंक क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर वो मैं लिंक आपको दे दूंगा तो आप रेगुलरली वो वीडियोस को देख पाएंगे और वो गाइस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और ज़्यादातर आप लोग शेयर भी करते रहेंगे उस लिंक को। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जिसने वो लिंक शेयर कर दिया उसने अगर पहले खोल लिया तो आप दोबारा नहीं देख पाएंगे उस वीडियो को। तो आप अपने को फोकस रखिए, आप अपने बारे में सोचिए, और तभी आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। जिस टाइम आपको लगे कि मैं हाँ फ्री हूँ, अब मैं ध्यान दे सकता हूँ, उस दिन आप आधा घंटा या एक घंटा बैठिए और पूरी वीडियो को पॉज करते 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 देखिए, लिखिए, समझिए सारा कुछ, और उसके बाद जाके वीडियो को जब आप बंद करेंगे तो दोबारा आप नहीं देख पाएंगे। इसी के साथ वीडियो पे आपको सारी चीज़ें शेयर करी जाएंगी। ये 45 डेज का कोर्स होगा और आपको हफ्ते में 2 दिन आपको वीडियो की लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। सो आप देख सकते हैं आपको यानी कि लगभग अगर हम मान के चले तो 8 से 10 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसके साथ आपको पीडीएफ भी शेयर कराया जाएगा। कई ये सारी बातें हो गई हैं, तो अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ, स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं पर्टिकुलरली, और स्टॉक्स पे देखते हैं कि किस तरीके से काम होना। सबसे पहला कॉनकोर बाय करने की सलाह दी जाएगी गाइज आपको, 605 करंट मार्केट प्राइस है।
आज हमने अपने क्लाइंट्स को भी बाय करवाया था 600 रुपये के आसपास बाय करवाया था, 610 पे हम निकल गए थे गाइस, हमारा टारगेट अचीव हो गया था। सो अभी भी ये नीचे आ चुका है तो कोई बात नहीं गाइस, 599 के आप स्टॉप लॉस से एक ट्रेड ले सकते हैं, 610 616 का टारगेट हम कॉनकॉर पे अचीव करते हुए देख सकते हैं। SBI बाय करने की सलाह दी जाएगी। बाय करने की सलाह क्यों दी जाएगी गाइस, क्योंकि पर्टिकुलर ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ चुका है और वहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिवर्सल के जो साइंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, और अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है सो गाइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 3 दिन के अंदर अंदर 180, 287 या 290 तक के टारगेट्स भी अचीव कर सकता है, यानी कि यहाँ से ये 15 से 20 रुपये तक की मूवमेंट भी दे सकता है। सो गाइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैं आपको बता दूँ, वो मैंने आपके लिए स्टॉप लॉस रखा हुआ है 267.5 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्लोजिंग बेसिस की बात हो रही है गाइस, क्लोजिंग बेसिस पे ये 267 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो उसके स्टॉप लॉस से बाय करिए, 273-278 इसका कल के लिए मैं टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। थर्ड आते हैं TCS। TCS पे भी आपको बाय करके रखनी पड़ेगी, 200 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे एक दो दिन गया, पर हमने उसके बाद एक बाउंस देख लिया, हैवी वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट के साथ हमने एक बाउंस देखा है पर्टिकुलर IT सेक्टर्स के अंदर। सो गाइज ये एक दोबारा के लिए बाय बन सकता है, तो 2095 की क्लोजिंग है, 2084 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 2109 तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्फोसिस बाय करने की सलाह दी जाएगी, इन्फोसिस पे 805 CMP, स्टॉप लॉस आपको 796 का रखना है, टारगेट आप जो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 812-819 के। लास्ट आते हैं गाइस ICICI प्रू, डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, स्टॉक ऊपर जा रहा है गाइस, यहाँ पर एक रिवर्सल आ सकता है, उस रिवर्सल का हमें एक इंतज़ार है, और रिवर्सल आएगा तो शायद यहाँ से हमें 30-40 पॉइंट तक की करेक्शन मिल जाए और तब हम एक दोबारा बाय पोजीशन बना पाए। सो गाइस मैं आपको बता दूँ ये मेरे पोर्टफोलियो पे भी है ICICI प्रू, मैंने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। मैं आपको बहुत टाइम से बताते हुए आ रहा हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो मेरे पोर्टफोलियो पे है, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रू। सो गाइस ये स्टॉक्स मेरे लिए बुलिश हैं, करेक्शन देंगे, मैं दोबारा डिप पे बाय करूंगा और ये मुझे आगे वाले जाने वाले लेवल्स पे एक और अच्छा मोमेंटम जरूर देकर जाएंगे। गाइस अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ, इन पांचों स्टॉक्स के आप टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए, चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और चार्ट्स पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले बात हम निफ्टी में जाते हैं, निफ्टी पे हम देखते हैं कि मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। ये ट्रेंड लाइन जो अपर रेड कलर की ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो लोअर लेवल पे ग्रीन कलर की कैंडल है वो एक सपोर्ट का काम कर रही है। सो ये एक रेंज हमें पता चल गई है कि अगर पर्टिकुलर मार्केट अब नीचे गिरना शुरू होता है, इंडेक्स और नीचे गिरना शुरू होता है तो वो इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा, जो कि रेंज ऊपर की साइड में है 11,700 की, 11,700, और लोअर साइड में जो रेंज है वो है 11,150 की। सो गाइस इन इस रेंज के अंदर ही पर्टिकुलरली ही ट्रेड करेगा निफ्टी। अब हम बढ़ते हैं एक डेली चार्ट, वन आवरली चार्ट पे बढ़ेंगे और उस पर इसके बारे में समझेंगे कि क्या हमें कल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अपमूव दी, अपमूव देने के बाद एक ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं ये रेंज है, ये एक बुलिश पीनेंट पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो गाइस अगर ये पर्टिकुलर इस अपसाइड की रेंज को ब्रेक कर दे सो गाइस यहाँ से जो इसके टारगेट्स होंगे वो टारगेट्स और ऊपर के भी हो सकते हैं और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये और ऊपर के हाई लेवल्स दिखा सकता है। सो अभी एक पीनेंट पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जब तक ये नीचे की ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता तब तक हम एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं कर सकते, हर लोअर लेवल पे हमें एक बाय पोजीशन बनानी है। अब हम बढ़ते हैं अर्ली चार्ट पे और ट्रेड देखते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक जो गैप अप ओपनिंग दी थी, जो मैं आपको हर वीडियो में बताया जा रहा हूँ, इस लेवल से जो कि लेवल था 11,380 के लेवल, और आप हर वीडियो में अगर आप सुनेंगे तो एक ना एक बार मैं आपसे कहता था कि 11,380 का लेवल एक बार तो मार्केट छू जाए। जब मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट करा था मैंने कहा था कि दोबारा एक बार शायद छू सकती है। हाँ गाइस 4-5 रुपये का डिफरेंस है पर जाके छू ही दिया मार्केट ने और इस रेंज के अंदर आ गई है। अब वहाँ से हमने देखा एक रिवर्सल हमें पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिला, आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही काम कर रहा है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है और आपको एक कैंडल स्टिक एनालिसिस का एक आपको
बता भी देता हूँ कि किस तरीके से हम काम करते हैं। देख सकते हैं, सबसे पहले स्टॉक इस रेंज को आप ध्यान से फोकस में रखिएगा। इस इंडेक्स ने ऊपर की तरफ मूवमेंट करी, ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के बाद हमने देखा है कि ये कैंडल बनाई, ये आप कैंडल देख सकते हैं, यानी कि इसने ये जो कैंडल बनाई है कि ये कैंडल यहाँ खुली, कहाँ पर खुली, 11,036, 11,636 पे ये कैंडल खुली है, और ये क्लोज कहाँ पर हुई है, 11,641 पे, 4-5 रुपये का, जहाँ यानी कि जहाँ पर खुली वहीं पर ही जाके ये बंद हुई है। ठीक है, आप गई समझ गए। और ये ऊपर तक गई, शैडो छोड़ी और नीचे आई, यानी कि इसने एक हैंगिंग मैन का पैटर्न बनाया है। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न होता है ये, और हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न होता है एक बियरिश पैटर्न, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के बाद हम देखते हैं एक हैंगिंग मैन बियरिश पैटर्न बन जाता है, सो वहाँ से एक मार्केट एक फॉल ले लेती है, फॉल लेने के बाद फॉल आ गई, फॉल लेने के बाद हमें क्या देखना होता है, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इसने एक हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद हमारा क्या था, हमारे लिए ये था कि ये जो इसकी प्रीवियस कैंडल है, जैसी कोई पर्टिकुलर आदमी की कैंडल, इस हैमर के बाद जो भी कैंडल्स बनेगी वो जैसी इस प्रीवियस कैंडल को, यानी कि इस रेड कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर निकलती है, हम अपनी बाय पोजीशन बना लेंगे। गाइस उसी टाइम हमने देखा एक गैप अप ओपनिंग हुई, आप देख सकते हैं ये गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ से हमने एक बाय पोजीशन बनाई और टारगेट ऊपर गया। उसके बाद हम दोबारा देख सकते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न बना, और हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के बाद हमने देखा कि ये हमारा टारगेट टोन, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आखिरी में जाके दोबारा नीचे आया है, ये देख सकते हैं ये ऊपर गया, फिर इसने एक हैंगिंग मैन बनाया और नीचे आया। अब इसने क्या करा, अब इसने आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, ये रेंज है, ये देख सकते हैं स्टॉक नीचे आया, इस पर्टिकुलर रेंज को ये रेजिस्टेंस मानने लगा। ये शैडो पे ही आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, क्लोजिंग देखिए, सिर्फ क्लोजिंग आर्ली चार्ट की आपको क्लोजिंग कैंडल देखनी है, जो बार बने हैं सिर्फ आपको बार में फोकस करना है, ये जो लाइंस है, ये जो शेडो है पे फोकस नहीं करना। ये रेजिस्टेंस फेस करा, इसके ऊपर निकली, इसने पर्टिकुलर ये जो कैंडल बनाई है इन्वर्टेड हैमर कैटल कैंडल बनाई है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो बनाई है ये एक बुलिश इंडिकेशन है, यानी कि अब मार्केट यहाँ से जो इंडिकेशन दे रही है वो दे रही है कि कल के कल हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कल या 2 दिन के अंदर अंदर ये दोबारा 11,550 तक जा सकती है। सो अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, हमारा जो ट्रेड होगा गाइज वो होगा कि इसकी जो क्लोजिंग है 11,470 या 480 पे क्लोजिंग है, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है 11,430 का, हमारा जो टारगेट है वो है 11,550 का। शॉर्ट पोजीशन आपको कोई इनिशिएट नहीं करनी है, आपको शॉर्ट पोजीशन तभी इनिशिएट करनी होगी जब ये 11,380 का लेवल तोड़ता है, और तब आपको लेवल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको बाय लेवल में ध्यान देना है, जब बाय लेवल होगा डिप देता है अगर ये 20-30 रुपए की और, तो 11,430 के लेवल से आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ से आप 100 रुपए की एक मूवमेंट निफ्टी पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट ये है, और हम ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर रहे हैं, पर रेंज की बात करें तो रेंज गाइस ये रेंज है, इतनी सी रेंज में काम कर रहा है, और अगर हम देखें तो रेंज के लोअर लेवल पे ये आने वाला है, क्लोजिंग इसकी हुई है गाइस 29,000 पर, जो लोअर लेवल है वो 28,600 का है, सो यानी कि लगभग ये आ चुका है एक बार, 400-500 पॉइंट की गिरावट और दिखाएगा तो अपने सपोर्ट पे, अहम सपोर्ट पे आ जाएगा। पर गाइस मैं अगर इस चार्ट को ध्यान से देखूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गाइस अगर इसने 29,030 का लेवल तोड़ दिया, 29,030 का लेवल गाइस फोकस करिए, जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, अगर इसने 29,030 का लेवल तोड़ा तो गाइज वहाँ से जो हम एक मूवमेंट देख सकते हैं नीचे की तरफ, वो गाइज बहुत ज़्यादा तरीके की मूवमेंट आ सकती है, और वहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अब आपको क्या फोकस करना है, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ कल के लिए आपको क्या रखना है, नोट करिए सबसे पहले गाइज जाके, बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 29,100 पे, 29,030 के नीचे अगर ये क्लोजिंग कैंडल बनाती है, हाँ 30 मिनट्स चार्ट की बात कर रहा हूँ गाइस, मैं 30 मिनट्स चार्ट की मैं आपको एक बार लेकर चले जाता हूँ जी गाइस, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये देख सकते हैं जो गैप अप, ये पूरा जो गैप था इस गैप को आज बैंक निफ्टी ने फिल कर लिया है, किस लेवल पे फिल करा है, 29,030 के लेवल पे गाइस, गैप को जो हमने देखा था कि जिस दिन कॉरपोरेट टैक्स कटा था उस दिन हमने एक रैली देखी थी, अगले दिन 1,000 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई थी,
वो जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, आप देख सकते हैं ये आपको इतना लंबा गैप दिख रहा है, गैप को आज के आज फिल कर लिया गया है। अब हमारे लिए एक बाय लेवल बनता है। बाय लेवल कब बनता है? जब ये 29,200 के ऊपर निकले। जैसे ही ये 29,200 के ऊपर निकलती है, आप अपनी बाय पोजीशन बना ले लिए। और बाय पोजीशन निकलने का मतलब ये है कि कैंडल क्लोजिंग कैंडल ऊपर होनी चाहिए, जो बॉडी है बॉडी ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा टारगेट है, हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो होगा 29,380 का, यानी कि आपको तुरंत 180 से 150 पॉइंट तक की रैली मिल जाएगी गाइस, जैसे ये 29,200 के लेवल को तोड़ता है। अगर अब ये 29,030 या 29,000 के लेवल को भी हम मान के चले तोड़ देता है और क्लोज करता है उसके नीचे कैंडल, और दूसरी कैंडल भी उसके नीचे रेड बनती है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा वहां से 400 पॉइंट नीचे, और जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो वहां से होगा 600 पॉइंट नीचे। समझ रहे हैं गाइज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नीचे के आपको टारगेट कितने मिल जाएंगे। पर गाइज जिस तरीके से मैं एक एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, जो आज गिरावट आई है बैंक निफ्टी के अंदर, वो कल के कल या परसों के परसों, 2 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो ये 800 पॉइंट की फॉल आई है उसको ऊपर की तरफ तोड़ देगा। या आप देख सकते हैं इस लेवल से फॉल आई है गाइस, इस लेवल से, यहाँ से आप देखते हैं अगर ये फॉल आई है तो ये पूरा का पूरा फॉल यहाँ पर कवर कर लेगा। यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 29,800 का लेवल ये एक्सपायरी जो 3 अक्टूबर तक एक्सपायरी है, मुझे लगता है कि वहाँ तक जाके ये इस लेवल तक दोबारा पहुँच जाएगा। तो अपनी बाय पोजिशन बना रखिए। अब गाइस अब आप देखिए एक बात मैं आपको और बताता हूँ, मैंने अपनी शॉर्ट पोजिशन बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करी। मैंने जैसा कि आपको पहले बता रखा था कि मैं अभी बैंक निफ्टी पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करना चाहता, मैं हर लोअर लेवल से इस पे बाय पोजीशन ही बनाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने आज क्या ट्रेड लिए गाइस। ये जो मेरा पर्टिकुलर जीरोधा का पैनल है, ये जीरोधा का पैनल सिर्फ इस पे मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ, ये पर्टिकुलर ट्रेड्स मैं लेता हूँ जब मुझे अपनी कोई स्ट्रैटेजी पे टेस्ट लेना होता है। आप देख सकते हैं कि मैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कोई एक नई स्ट्रैटेजी पर करता हूँ, क्योंकि मैं एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ध्यान नहीं दे सकता मार्केट पे जिस तरीके से मार्केट काम करती है। सो जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी एक रेंज के अंदर काम कर रहे हैं, या आप देख सकते हैं गाइस ये एक रेंज है, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर फिबोनाची रेंज के अंदर काम कर रही है, तो उस पर हमें कैसे ट्रेड लेना है उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं अपनी एक काम कर रहा हूँ। तो इस पर जो मेरा मार्जिन है, पर्टिकुलरली मार्जिन इसमें अभी मेरा सिर्फ 1,00,000 रुपये है, तो 1,00,000 के बेसिस पे ही मैं अभी छोटी मोटी चीज़ें ले लेता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी को वर्क करने के लिए कि वो काम करती है या नहीं करती है। अब आप गाइस देखिए कि किस तरीके से काम हुआ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 11:30 बजे हमने एक 304 रुपये का एक 29,300 की एक बैंक निफ्टी की कॉल बाय करी, कितने रुपये में? 304 रुपये में। और ये हम अपने क्लाइंट्स को भी बाय करवाई थी आज, और जब ये 304 रुपये में ट्रेड कर रही थी तो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 29,150 पे, यानी कि बैंक निफ्टी 29,150 पे ट्रेड कर रहा था और मैंने ये 300 की कॉल बाय करवाई थी, और मेरा जो टारगेट था वो गाइस 380 का टारगेट था। और मैंने अपने क्लाइंट्स को ये बात ज़रूर बोली थी कि जैसे ही आपको ये 29,030 के आसपास मिले, आप इसको एवरेज करिए, जैसे ही आपको मार्केट पे देखे कि बैंक निफ्टी पे आपको जैसे ही लेवल देखे कि आपको 29,030 का लेवल दिख रहा है, और आपको ये जो 300 रुपये की चीज़ आपको जितने भी रुपये भी मिले उसको दोबारा बाय करिए, और आप एक बाय पोजीशन को होल्ड करे रखिए गाइस। सो गाइस हमने ये जब बाय हमने जो एवरेज करा, हमने एवरेज करा 250 रुपये में, 300 रुपये में एक लॉट बाय करा, हमने दूसरा लॉट बाय करा 250 रुपीज़ पे, यानी कि जब 250 पे आया तो मार्केट आ चुकी थी वहाँ से 29,030 पे। हमने ये पोजीशन जब ली तो हमारा जो एवरेज प्राइस बना वो 280 का बना, और हमें एग्जिट कहाँ पर करे? 330 पे। आप देख सकते हैं 330 पे हम जाके एग्जिट करे, 380 का टारगेट भी गाइस अचीव हो गया था, पर मैं 330 पे एग्जिट करा क्योंकि मुझे बस स्ट्रैटेजी को देखना था कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरी चीज़, मैंने दोबारा एक 29,300 की कॉल को बाय करी, 270 पे बाय करी, 320 पे एग्जिट करी, ये मैंने 320 पे जाके एग्जिट करी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बार मैंने 29,200 की कॉल बाय करी 314 पे, और इसको मैंने एग्जिट करा 3,400 रुपये पे। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने सिर्फ 20-20 लॉट करके बाय करे हैं और मुझे हर एक लॉट पे 100 या 70 रुपये का फ़ायदा हुआ, और मैंने ऐसे 4 बार ट्रेड लिया, सिर्फ मैंने एक बार पुट बाय करी थी, आप देख सकते हैं एक हेजिंग के लिए बस एक बार मैंने पुट बाय करी थी और उस पुट को मैं निकाल चुका था। दूसरी बार अब मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की एक और कॉल बाय कर रखी है 29,500 की, 2 लॉट बाय कर रखे हैं मैंने,
जो मेरा अगर वो वर्क कर जाता है, सो गाइज ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये स्ट्रैटेजी गाइज ऐसी है जो मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, पर ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आ सकती है। सो ये जो हमारा अभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे सिर्फ हम इस मार्जिन में काम करते हैं, पर जो भी मैंने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड्स लिए हैं उनसे मुझे बहुत अच्छा खासा फायदा हो गया है। और जो मैंने अपने दूसरे अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे लिया, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि मैं अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे ही पर्टिकुलरली ज़्यादातर ट्रेड्स लेता हूँ, और उस पर ही मेरे पर्टिकुलर ट्रेड्स है। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर अपना 10% सॉरी 50% अमाउंट शेयर यहाँ पर रख रखा है। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और बार आपको बता देता हूँ गाइस, जो लोग ने यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर रखा था वो मुझे अभी के अभी व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए कि इंटरेस्टेड हैं, अपना ईमेल आईडी अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, और आज रात को उन लोगों को लिंक सेंड हो जाएगा व्हाट्सएप का। और वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और 7th को यानी कि संडे या नेक्स्ट संडे या मंडे से हम अपनी ये जो कोर्स है उस कोर्स को स्टार्ट कर देंगे। और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज प्रोवाइड होने वाली है, और आप डेफिनेटली मार्केट को फंड टेक्निकली आप अंडरस्टैंड करना सीख जाए। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ गाइस, आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ।